देखिए देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। पूर्वोत्तर के दो राज्यों मेघालय और नागालैंड में सोमवार को विधानसभा के लिए मतदान है। करीब महीने भर से अधिक समय से चला आ रहा चुनाव का शोर शनिवार को थम गया। दोनों ही राज्यों में 40 महिला उम्मीदवारों सहित कुल 559 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को कर्नाटक के शिवमोगा और बेलगावी जिलों का दौरा करेंगे। इस दौरान वो जल जीवन मिशन के तहत 2500 करोड़ रुपए से अधिक की जल आपूर्ति परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे, जिससे दोनों जिलों के 13 लाख से ज्यादा लोगों को लाभ होगा। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और आबकारी मंत्री मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के विरोध में आम आदमी पार्टी देश व्यापी स्तर पर आज प्रदर्शन करने वाली है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी समर्थक और कार्यकर्ता भाजपा मुख्यालय के सामने प्रदर्शन करेंगे। झारखंड विधानसभा का बजट सत्र सोमवार से शुरू होगा, अधिकारियों ने ये जानकारी दी है। इस बार के बजट सत्र में कुल 17 कार्य दिवस होंगे और ये 24 मार्च को समाप्त होगा। अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेक सुलिवन ने रविवार को कहा कि अगर चीन यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में रूस को सैन्य सहायता प्रदान करता है तो उसे वास्तविक कीमत चुकानी पड़ेगी। सुलिवन ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि ये युद्ध बीजिंग के लिए वास्तविक जटिलताएं प्रस्तुत करता है। अगस्त 2021 को तालिबान ने अफगानिस्तान पर अपना कब्जा जमाया था, जिसके बाद तालिबान ने महिलाओं पर तमाम तरह के प्रतिबंध लगा दिए। महिलाओं को पढ़ने से लेकर नौकरी तक करने से रोक लगा दिया गया है, लेकिन अब शनिवार को अपने मौलिक और महिला अधिकारों के लिए लड़ने के लिए काबुल में महिलाओं के एक समूह ने क्रांति की योजना की है। नागालैंड वोखा जिले में रविवार दोपहर को एक बड़ा हादसा हो गया। यहां मतदान और सुरक्षा कर्मियों को ले जा रही एक बस पहाड़ी से जंगल में गिर गई, जिससे चालक की मौत हो गई और 12 अन्य घायल हो गए। घायलों में झारखंड सशस्त्र पुलिस के 8 और नागालैंड सशस्त्र पुलिस का 1 कर्मी शामिल है। दक्षिण कश्मीर के पुलवामा जिले के अच्छन इलाके में आतंकियों ने एक बार फिर से लक्षित हत्या को अंजाम देते हुए 40 वर्षीय कश्मीरी पंडित की गोली मारकर हत्या कर दी। एटीएम गार्ड के रूप में काम करने वाले संजय शर्मा सुबह 11 बजे किसी काम से बाजार जाने के लिए निकले थे। उस समय दहशतगर्दों ने उसे निशाना बना लिया। जम्मू कश्मीर स्कूल शिक्षा विभाग ने देश की काउंसिल ऑफ बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन से गैर मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं कक्षा पास कर चुके 23 RET शिक्षकों की सेवाओं को समाप्त किया है। पंजाब के अजनाला थाने पर हमले के मामले में केंद्रीय एजेंसियों ने अपनी रिपोर्ट में पंजाब पुलिस के घुलमुल रवैये पर सवाल उठाया है। इसमें पंजाब पुलिस के कई अधिकारियों की लापरवाही सामने आई है। रिपोर्ट के अनुसार अगर पंजाब पुलिस गंभीरता दिखाती तो थाने पर हमले जैसी हिंसक घटना टाली जा सकती थी। वीडियो डेस्क amarjala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।